जनता और सरकार के बीच में अगर कोई चीज है तो वो है संविधान। अगर सरकार संविधान को नहीं मानेगी तो जनता को भी सरकार को मानने की जरूरत नहीं है। और सरकार का यदि आपको पक्ष सुनना हो तो आपको लोगों को जी न्यूज देखना चाहिए। मुझे जब भी सरकार के पक्ष में कोई तर्क समझना हो, लॉजिक समझना हो, तो हम जी न्यूज देखते हैं। और यदि जनता के पक्ष में कोई तर्क समझना हो तो एनडीटीवी बदल लेते हैं। तो जी न्यूज पे यह बताया जा रहा था कि यह संविधान का विरोध नहीं है। कैसे? तर्क नंबर एक कि संविधान तो उनके ऊपर लागू होगा ना जो देश के नागरिक होंगे। बाहर बुद्धि, कमाल का बुद्धि है। तो हम भी थोड़ा बुद्धि लगाए और सोचे। हम यह सोचते हैं कि देश में जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको देश के संविधान के हिसाब से जेल में रखा जाता है कि अमेरिका के संविधान के हिसाब से जेल में रखा जाता है। इस मूल तर्क को मैं क्यों यहां रख रहा हूं, इसको समझिए कि बड़ी आसानी से यह कह रहे हैं कि जो लोग देश के नागरिक ही साबित नहीं हुए हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 15 कैसे लागू होगा। ठीक बात है, जब नागरिक बनेंगे तब आर्टिकल 15 लागू होगा। लेकिन क्या देश के भीतर जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो हमारे देश के संविधान के अनुरूप चलता है कि पड़ोसी देश के संविधान के अनुरूप चलता है? आज संसद में देश के गृह मंत्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान पढ़ रहे थे। अरे मोटा भाई, पहले तो अपना देश का संविधान पढ़ लो ना। तुमको शायद यही नहीं पता है कि अपने देश के संविधान में कितना आर्टिकल है। अगर ठीक से अपने देश का संविधान पढ़े होते तो आज आप ये बात नहीं कर रहे होते। भारतीय संविधान की मूल भावना यह कहती है कि आप धर्म के आधार पर नागरिकता को नहीं तय कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारी बहस जो है वो बेकार है। संविधान की मूल भावना कहती है कि किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जहां तक नागरिकता देने का प्रश्न है तो धार्मिक आधार पर यह नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह पहली बात है। दूसरा तर्क जो वो दे रहे हैं, जी न्यूज पे मैंने सुना था कि घुसपैठियों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। ठीक बात है, हमारे देश में अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आ जाए तो उसको पहचान करना बहुत जरूरी है। क्या इस देश में उनको पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर सरकार को पानी पिलाया जाए। वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पहचान करना बहुत जरूरी है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे। तो मेरे जो कुछ मित्र हैं वो शराब पीते हैं। मैं सच बात बता रहा हूं, आपके भी मित्र पीते होंगे। ठीक बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो रात में क्या करते हैं कि जब शराब पी लेते हैं तो गूगल मैप पे मैप लगा लेते हैं। हम बोले तुमको अपने घर का रास्ता मालूम है, ये मैप क्यों लगा रहे हो? बोलता है कि जहां जहां लाल रात को दिखता है ना वहां वहां पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, तो वो रास्ता बदल लेते हैं। आप सब लोग गूगल मैप यूज करते होंगे। जहां जहां लाल होता है मतलब है कि वहां रोड जाम है, और जहां जहां नीला होता है मतलब रोड क्लियर है। सैटेलाइट से हमारे देश की सड़कों को देखा जा सकता है। आप दो दोस्त बैठ करके जूता का बात कीजिए, तुरंत आपके फेसबुक पे जूता का प्रचार आना शुरू हो जाता है। आप मोबाइल का चर्चा कीजिए, आपको मोबाइल का प्रचार आना शुरू हो जाता है। आप कहिए कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया है तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रचार आना शुरू हो जाता है। जहां इतना इंटेलिजेंस आपके ऊपर हो वहां घुसपैठियों को नहीं पहचाना जा सकता है।
कैसी मूर्खतापूर्ण बात हम लोग कर रहे हैं। क्या सचमुच सरकार का उद्देश्य है कि वो घुसपैठियों का पहचान करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहां देहाती भाषा में सरकार को माई बाप भी कहा जाता है। तो मान लीजिए हमको बहुत जोर से भूख लगी है, हम कहें पापा पापा बिस्कुट दीजिए, तो बाबूजी पलट करके कहें पहले ये बताओ तुम मेरा बेटा हो कि नहीं, पहले ये साबित करो, तब आप कहां डॉक्यूमेंट खोलते चलेंगे, किससे पूछते चलेंगे कि बताइए ये आदमी जो है जिसे हम बिस्कुट मान रहे मेरा बाप है कि नहीं।